Assalamu alaikum students, this is Taimoor Taseen, your chemistry teacher. आप लोग मेरी वीडियोस YouTube पे देख रहे होंगे और उम्मीद है कि आप उसे पसंद कर रहे होंगे, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरी वीडियो से उसे क्लैरिफाई कर रहे होंगे समझ के। लास्ट टॉपिक में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। उसमें हमने उसकी कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी, इफ्यूजन, डिफ्यूजन एक्स्ट्रा, ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीन चीज़ों के गिर्द घूमेगा। गैस की तीन चीज़ों के गिर्द इसका घूमेगा, वो रिवॉल्व करेगा। नंबर वन प्रेशर, नंबर टू टेम्परेचर और नंबर थ्री वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें गैस की आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर, उसका वॉल्यूम पे क्या असर होगा। प्रेशर कम या ज़्यादा करने से किसी भी गैस पे क्या असर होगा, इसको आप डायग्राम की मदद से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि ये एक गैस है, एनक्लोज है, आपने इसके ऊपर प्रेशर 1 atm किया हुआ है, ठीक है, 1 atm किया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम ये है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें, बैलून देखा है आपने, बैलून को अगर आपने फुलाया हो, उसको फिलअप किया हो गैस से, एयर से, तो उसकी एक शेप आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसे कंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर देंगे, उसके ऊपर वजन देंगे, तो आप देखेंगे कि बैलून थोड़ा सा दब जाएगा। दब जाएगा मतलब कि गैस के पार्टिकल्स आपस में करीब करीब आ गए, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। सेम इज़ द कंडीशन हेयर, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेशर अगर 1 atm है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर है कोई भी है, आप 1 atm को इग्नोर करें, एक किस्म का इस पर प्रेशर है, तो ये इसका वॉल्यूम है। अगर यही प्रेशर मैं डबल कर दूं, यही प्रेशर अगर मैं डबल कर दूं तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। गैस उतनी ही रहेगी, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। गैस उतनी ही रहेगी लेकिन उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो बाय चेंज इन प्रेशर वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो नतीजा जो रिजल्ट हमारे पास आया कि अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो किसी भी गैस का वॉल्यूम भी चेंज किया जा सकता है। इसी तरह से टेम्परेचर, वो भी आपके पास गैस है, ठीक है, इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन से मुराद जो ढक्कन है वो मूव कर सके, जो आपने ढक्कन लगाया हुआ है वो मूव कर सके। यहाँ हमने क्या करना है, हमने गैस को टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल्व पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो प्रेशर मज़ीद लगाएंगे। मज़ीद क्यों लगाएंगे, कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी हीट की वजह से, वो भागना शुरू कर देंगे इधर उधर, उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी। उसके नतीजे में पिस्टन जो होगा, जो ढक्कन होगा, वो ऊपर को चला जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इधर आ गया। गैस उतनी ही है लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, अगर आप इसको मजीद हीट करें तो क्या होगा, ये पिस्टन मूव करके इधर आ जाएगा। मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने यहाँ देखा
कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें गैस पे, किसी भी गैस पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। इसको समरी में इस तरह से लिखूं, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो रिलेशनशिप था इसी को कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, देखा कि ये ठीक है या नहीं। उन्होंने जब ये देखा, एक साइंटिस्ट ने जो बॉयल था, बॉयल, उसने ये रिलेशनशिप देखा वॉल्यूम और प्रेशर वाला, उसने ये रिलेशनशिप देख के एक लॉ बिल्ड किया जिसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर का जिसने डिस्कस किया रिलेशनशिप, वो बॉयल्स लॉ के लाया, और दूसरा साइंटिस्ट जिसने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया और उसने एक लॉ बनाया जिसे चार्ल्स लॉ कहा गया, एक बॉयल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम का, और चार्ल्स लॉ रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। मैं ये दोनों लॉज यहाँ बता चुका हूँ, फिर भी हम फॉर्मली ये जो लॉज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आया इन लॉज में है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का, जो प्रेशर उस पर अप्लाई किया जा रहा है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इसको आप अगर ख़त्म करें, इस इक्वेशन को प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ख़त्म करने के लिए V इज इक्वल टू के ओवर पी, ठीक है, के ओवर पी। अगर हम के को साइड पे करें, के इज इक्वल टू वी पी, ठीक है, वी पी। के जो है हमारे पास बॉयल्स लॉ कांस्टेंट है। यहाँ से एक और इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम जब इस रिलेशनशिप की बात करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम की, तो एक चीज़ जहन में रखें, यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर आप एक जैसा ही रखेंगे, किसी भी गैस का टेम्परेचर आप एक जैसा ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप वॉल्यूम को प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, पहले 1 एटमॉस्फेरिक था फिर 2 एटमॉस्फेरिक था, अगर आप वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर को आप बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, उसको बिल्कुल भी नहीं कम या ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तभी ये लॉ प्रूव होगा।
इसको डिस्कस करने के लिए एक टेबल दिया गया है, उसमें एक साइड पे वॉल्यूम दिया गया है, दूसरी साइड पे प्रेशर दिया गया है और तीसरी साइड पे के की वैल्यू दी गई है। वो कहता है कि अगर आपके पास वॉल्यूम 4 हो, 4 डेसीमीटर क्यूब हो, और तब उसका प्रेशर अगर 0.5 हो, ठीक है, 0.5 हो, तो आप देखेंगे कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। लेकिन अगर आप प्रेशर डबल कर दें, प्रेशर डबल कर दें, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। प्रेशर अगर हम डबल कर दें 0.5 एटीएम के बजाय हम 1 एटीएम कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 2। तो तब भी जो के का आंसर होगा पी इंटू के वो 2 ही रहेगा, ठीक है, वो 2 ही रहेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज कर दें 1 की बजाय 4 कर दें, या 1 की बजाय 2 कर दें, जो आपने प्रेशर किया है उसको मज़ीद डबल कर दें, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम और कम हो जाएगा, 2 की बजाय मज़ीद हाफ हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर के का तब भी सेम रहेगा। इसी तरह से आप आगे प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा वो सेम रहेगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट, अगर आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। ये तो था बॉयज़ लॉ। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। जो आप प्रेशर लगा रहे हैं उसके वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसको प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को ख़त्म करने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और के के इज इक्वल टू होगा वी पी। के जो आपके पास बॉयज़ लॉ कॉन्स्टेंट है वो इक्वल होगा प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट के। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन इंक्रीज होती है कि बॉयज़ लॉ कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गैस इज कॉन्स्टेंट एनी टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम दूसरे रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। दूसरा रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। दूसरा गैस का रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर का है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पहले हमने बॉयज़ लॉ में हमने बात की थी वॉल्यूम और प्रेशर की, जबकि जो दूसरा लॉ है उसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे। इस लॉ को हम चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं, चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि कोई भी गैस उसका वॉल्यूम जो टेम्परेचर अप्लाई किया जाएगा, हीट जितनी दी जाएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली से मुराद कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, इन्वर्स में एक दूसरे को उल्ट होता है, अपोजिट होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को ख़त्म करने के लिए इक्वल का साइन और
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, जिसको चार्ल्स लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं, के इनटू टी। और यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी ओवर टी, ठीक है, वी ओवर टी। इसको अगर हम देखें एग्जांपल की मदद से अगर देखें तो आप एक साइड पे गैस का वॉल्यूम लें, ये हमारे पास गैस का वॉल्यूम है और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है और लास्ट में के है, के इज इक्वल टू है वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, के हमारे पास चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है। बुक की एग्जांपल को छोड़ के मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए करवाऊंगा। आपके पास अगर वॉल्यूम ये हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में ही है, वॉल्यूम अगर आपके पास टू है, दो डेसीमीटर क्यूब है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में हम ये ले रहे हैं, एट 10 डिग्री, ये मैं 20 कर देता हूँ, वॉल्यूम 20 है आसानी के लिए, तो जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2, 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, डबल कर दें टेम्परेचर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जब वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा तो हमारे पास फिर भी इसका आंसर के का 2 ही रहेगा, जो रेशो होगी वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो वो 2 ही रहेगी। इसी तरह से 20 की बजाय 40 कर दें तो ये 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर तो रहेगा, यहाँ पे भी जो के है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ये चार्ल्स लॉ के लिए, जो दूसरा था वो बॉयल्स लॉ के लिए था। चार्ल्स लॉ को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे आपने कांस्टेंट रखना है। बॉयल्स लॉ में हमने देखा था प्रेशर को हम डिक्रीज और इंक्रीज कर रहे थे जबकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे, चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तभी हमारे पास रिजल्ट ठीक आएंगे। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन्स बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्लस इक्वल का साइन और के की वैल्यू हमारे पास वी ओवर टी, वी डिवाइडेड बाय टी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी, और गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए ये जो रेशो होगी वो हमेशा इक्वल रहेगी, किसी भी गैस के लिए ये रेशो गिवन अमाउंट कि आप ये नहीं करें कि पहले आप जो है वो 2 डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं और फिर आप अमाउंट को बढ़ा दें, यानी कि पहले आप 1 किलो गैस ले रहे हैं, दूसरी सूरत में आप 2 किलो गैस ले लें, ऐसा नहीं होगा, आपने गैस की अमाउंट सेम रखनी है, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करना है और प्रेशर भी चेंज नहीं करना, वो भी सेम रखना है। ये तो था चार्ल्स लॉ समरी, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ की, बॉयज़ लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड चार्ल्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर सॉरी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में था जबकि चार्ल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, उन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप था, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन जो चीज़ दोनों में सेम है वहाँ पे भी दोनों की रेशो सेम थी, यानी कि के की वैल्यू सेम रहेगी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए और यहाँ पे भी के की वैल्यू सेम रहेगी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए। अगर सेम नहीं रहती बिल्फर्स तो इसका मतलब देर इज़ ए प्रॉब्लम इन योर एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपेरिमेंट में
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी सेट ऑफ कंडीशंस। कन्वर्ट टेम्परेचर टू द केल्विन टेम्परेचर बाय एडिंग 273। फाइंड वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर फॉर ईच सेट ऑफ कंडीशंस एंड कंपेयर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे डिस्कस हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम केल्विन को कहते हैं, केल्विन टेम्परेचर। केल्विन स्केल वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर की, आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, बट एक्सपेरिमेंटली हम सेंटीग्रेड की बजाय केल्विन स्केल में लेंगे, केल्विन में। केल्विन के लिए सेंटीग्रेड अगर आपके पास है तो केल्विन के लिए आप सेंटीग्रेड में प्लस 273 कर देंगे। अगर आप तीनों में 273 प्लस करेंगे तो आंसर तब भी सेम ही रहेगा, आंसर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।